हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको ECO02 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, तो आप जाकर के वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। इसके अलावा मैंने दो ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं जो आपके और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम्स के लिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाकर कर वो दो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं ECO02 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला है, व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? स्टेटेड साइलेंट फीचर्स, एक्सप्लेन द ड्रॉबैक ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम? स्टेटेड एडवांटेजेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स विच आर यूजली कमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। स्टेट द कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट विच आर द वेरियस पार्टीज टू बी टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। वॉट इज अकाउंटिंग? एक्सप्लेन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, एनुमरेट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच रिलेट्स टू फाइनल अकाउंट्स एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम विद इज अकाउंटिंग विथ इट्स अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन, स्टेट्स इट्स इम्प्लीकेशन। हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? वॉट आर देयर नीड? स्टेट द एक्सपेंसिज दैट आर नॉट कंसिडर्ड वाइल वैल्यूइंग अनसोल्ड स्टॉक लाइंग विद द कंसाइनी। Why is income and expenditure account termed as receipt and expenditure account in case of professors? How do they account for the outstanding fees? Write short notes on the following method of providing depreciation, sinking fund to repay a liability, memorandum, trading account. Distinguish between joint venture and partnership, capital reserve and revenue reserve, debit note, credit note, single entry system, double entry system, normal and abnormal loss, bill of exchange and promissory note, provision for discount on debtors and provisions for discount on creditors, provisions and reserve, accounting, sales and invoice, selecting balances and self balancing. तो ये थे कुछ 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है इस सब्जेक्ट के, पर वो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर ले। सारे जो जो आपके प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आप ज़रूर कवर अप करिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से सब्जेक्ट्स बाकी हैं, तो वो मैं आपको जल्द जरूर दूंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।